पूरी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी आर्मी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। पाकुड़ के नानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में 13 जिला के प्रभावित शिक्षकों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पाकुड़ जिले की अध्यक्षता श्री विजय कुमार भंडारी ने की। बैठक में सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के संदर्भ में सभी शिक्षकों ने सरकार का आभार प्रकट किया तथा सभी शिक्षकों ने इस मुश्किल क्षणों में यह गुहार लगाई कि सरकार अगर चाह ले तो सभी स्थानीय शिक्षकों को यथावत नियुक्ति को बरकरार रखा जा सकता है, ताकि जिले के अधिकांश विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय ना हो। बैठक में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री कौसर कबीर ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो कड़े फैसले आए हैं, उसमें ना केवल जिले के शिक्षक प्रभावित होंगे बल्कि कई विद्यालय तो शिक्षक विहीन हो जाएंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा जिला पाकुड़ के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इस कड़े फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कोई सुलभ रास्ता निकाले, ताकि जिले की शिक्षा का भविष्य सुचारू रूप से चले। 13 जिला के राज्य संयोजक श्री राजू नंदन साहा ने सभी जिलों के बातों का हमारे जिले में साझा किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भंडारी ने यह बताया कि सभी शिक्षक धैर्य बनाए रखें, सरकार हमारे समर्थन में है और वे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। आज की बैठक में निम्न शिक्षक उपस्थित हुए: शरीफ अंसारी, विजय राय, कुणाल कश्यप, अमित ठाकुर, नित्य गोपाल दास, आलोक कुमार, शैलेश कुमार, हिफ्जुर रहमान, राधेश्याम पायल, प्रीति, सिपी, ज्योति, मंजू मीणा इत्यादि लगभग सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। ये रद्द करने से बहुत बड़ा भीषण संकट के घड़ी आ गई है, न केवल शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों के परिवार के लिए, बल्कि ये पूरे जिला के लिए। यहाँ पर जो शिक्षण व्यवस्था है वो चौपट हो गई और इसको इतने आसानी से दुरुस्त नहीं किया जा सकता।